मेरा लाइव। और कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, दिन में नहीं आऊँगी, आफ्टरनून में आऊँगी, आफ्टरनून आऊँगी या टाइमिंग जो भी होगा, मैंने पहले भी आपको बताया। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, मैं श्योरली, आप सब बोलते हैं लाइव के लिए, इसलिए मैं कंटिन्यू लाइव ज़रूर आती हूँ। ऐसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। और कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बहुत ही फैब्यूलस साड़ी के साथ आई हूँ। ये है मेरा समर कलेक्शन जो मुझे आज मिली है गिफ्ट। वैसे तो सबके मतलब देखिए है ना, समर के कलेक्शन के हिसाब से बहुत ही फैब्यूलस। तो आप भी बताइएगा कि आपको ये वाली साड़ी का कलर कैसा लगा, मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आप सबके मैसेज वगैरह का। हाय मजीज जी, हाय, कैसे हैं? तो आप सबका कितनी बार मतलब मेल मैसेज के लिए आता रहता है अप्लाईमेंट के लिए। तो अभी ये है मेरी बहुत ही फैबुलस सी साड़ी, बहुत ही प्यारी दे रही, और समर कलेक्शन के हिसाब से लेके आई हूँ कि समर में किस तरह से लाइट कलर वगैरह ही डालनी चाहिए, हो सके जितना भी पॉसिबल हो लाइट ही कलर डालें। तो ये होता है कलेक्शन की कनेक्टिविटी जो आप देख सकते हैं। मेरे हर चैनल में मतलब डिफरेंट टाइप की साड़ी होती है, मुझे साड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप सबको भी। तो ये है मेरा समर कलेक्शन जैसे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आज क्या हुआ, मेरी जो नोज पिन थी, हाय हेलो वेलकम गुड इवनिंग एवरीवन, और जो भी लाइव में एंट्री करते जा रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो मेरी लाइव का वेट करते हैं, और मैं लाइव कंटिन्यू इसीलिए आती हूँ कि आप सब मेरा वेट करते हैं और मेरी कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग मुझे आप सब से बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कैसे हैं आप सब लोग बताइएगा। और उसके बाद देखिए कैसा लगा मेरा लुक, मुझे जरूर बताइएगा। और आज की लाइव और ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि आज की लाइव है समर कलेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आज क्या हुआ था, अचानक से जैसे मैं काम कर रही थी ना, देखिए मैं ले कहती ये वाली रिंग्स विद मतलब इसका मैचिंग करके, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मुझे मतलब गिफ्टेड है साड़ी, कैसी लगी? और मेल से आई है ये मुझे, बाकी सब ने कितनी बार मतलब बोला है कि साड़ी से रिलेटेड जितनी कॉल आपके लिए मतलब जैसे कि मैसेज वगैरह आते हैं, तो अभी मगर मैं ज़्यादातर मतलब ईमेल शेयर नहीं करती हूँ किसी से भी। धीरे धीरे जो भी होगा वो सब आप सबको मिल जाएगा। और बाकी जिस जिसकी फेवरेट साड़ियाँ, जिस तरह के कलेक्शंस होंगे, जिन जिनको मतलब ये जैसे कि मुझे गिफ्ट मिली है, थैंक यू सो मच जिन्होंने दी है, वैसे तो जिन्होंने दी है वो अपने आप ही साड़ी का मतलब कलर या किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग से रिलेटेड समझ ही जाएंगे कि मतलब, तो मैंने डाल दिया ये वाली साड़ी, बहुत ही सुंदर है, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी है। और जैसे कि समर स्टार्ट है आप सबको पता है, उस हिसाब से साड़ी का कलेक्शन बहुत प्यारा है और मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप सबका वेलकम है मेरी लाइव में, आई एम पूजा ब्लॉगर, मैं ब्लॉगिंग चैनल जो चलाती हूँ और उसमें लाइव का आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज क्या हुआ था, इंसिडेंटली एक चीज़ हो गई थी मेरे साथ की, मतलब जैसे कि मैं वर्क कर रही थी ना, और आप सबको पता है समर हो रहा है, और समर की वजह से थोड़ी सी इचिंग वगैरह होने लगती है फेस पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे ही वर्क कर रही थी ना, तो वर्क करने पे जैसे मैंने इस तरह से किया, तो मेरा अचानक से ये जो बाली होती है ना, बाली मैंने डाल रखी थी। अच्छा पहले बताइए जल्दी जल्दी से कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है मेरी साड़ी का, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच अभिषेक सिंह जी, रंजीत सिंह जी, गुड नाइट एंड वेलकम इन माई लाइफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी रेस्पेक्ट लैंग्वेज के साथ मेरे से एंट्री करता है मेरे उस पर, उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उसके जो आप ये क्वेश्चंस करते हैं, आप ये जो मतलब मेरे से चैटिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी बोलते हैं,
और आप सब अगर मेरे साथ मतलब अच्छे से मतलब जिस तरह से बिहेव करते हैं उसी अकॉर्डिंग मेरी देखे रिप्लाई साथ के साथ ही उन बंदों के लिए जरूर, नानू नानू हेलो आंटी हीरोइन फेस सुपर थैंक यू सो मच नानू जी, रुद्र गेठा थैंक यू सो मच, ठीक है। और ये मेरा लुक इस तरह से, और जैसा भी मतलब जिसका भी मतलब आता रहता है वो मैं श्योरली एक्सेप्टेड होती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ इंसिडेंट कि मतलब जैसे ही मैं वर्क कर रही थी ना, उस वर्क के दौरान मेरी जो नाक की लौंग थी वो एकदम अचानक से बाली क्रैक हो गई, और उस क्रैक होने की वजह से मेरी बाली टूट गई। तो जब नाक की जो पिन होती है ना उसको सेकेंड टाइम मतलब मैंने डालने की कोशिश की, तो जो मैं बाली डाल रखी थी उसकी नोक की पतली, और जो मैं अब डालने वाली थी पिन उसकी नोक की मोटी। तो क्या हुआ मेरे साथ, वो बाली मतलब उसने स्पेस बस छोटा सा कर लिया, जैसे इसकी नोक होती है ना इसने इतना पतला कर लिया। अब भाई उन कील को कैसे डालूं, पिन मैं डाल नहीं सकती थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द मैं सहन बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने थोड़े दिन के लिए ये अवॉइड कर दिया कि मैं थोड़ा सा पहले इसमें से स्पेस कवर कर लूँ, उसके बाद करूँगी अपनी ओर। और आप बताइएगा, आप आज मैंने जो ट्रेडिशनल देखी साड़ी के साथ हमेशा फुल ऑफ द मैचिंग अदरवाइज मेकअप रिलेटेड बाई ज्वेलरी सब चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो ये बताइए कैसा लग रहा है मेरी नोज जैसे मैंने कवर किया है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फैशन से रिलेटेड में ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, प्लस होता है कि मतलब आपको ये मैरून कलर की मेरी जो मैंने कारीगरी करी है, छोटी सी कारीगरी, वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादातर इसी तरह से मतलब थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने यही सजेशन मैंने ज़्यादा एक्सेप्ट किया अपने आप में कि मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो तो मैं करती करती हूँ, वो आप सबको पता है। तो उसके बाद ये था मेरा एक नया लुक जो आपको मेरा देखने के लिए मिलेगा, और मिल भी गया है, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है देखिए। तो ये हो गई मेरी न्यू क्रिएटिविटी जो मैंने खुद अपने आप ही अभी सेलेक्ट की है, और काफ़ी अच्छी भी लग गई ना। अभी मैं कैमरा सेटअप कर लूँ, फिर आप सबसे एकदम क्लोज से मुलाकात होगी 1 मिनट। और साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है, इसी वजह से मैंने ये कलर चूज़ किया है। क्योंकि देखिए आप सब वेट करते रहते हैं कि आप मैं कैसा कलेक्शन लेके आऊँगी और वो कलेक्शन भी सुंदर ना हो तो क्या फ़ायदा। और ज़्यादातर जब मैं हैंकी टक से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ तो हमेशा मुझे डिमांड होती है कि आप हैंकी टक लाइए, ये देखिए टावल वाला। तो आज मैं ले आई हूँ टावल वाला हैंकी, और वो कर लेंगे हम टक। तो इस समर के कलेक्शन के साथ इस हैंकी की पूरी प्योरिटी हो जाती है, और आज का कलर कॉम्बिनेशन विद विद मैचिंग मैचिंग हो गया है, क्योंकि इसका हो गया देखिए जैसा इसका कलर आ रखा है वैसे ही मैंने इसका पिनअप करवा रखा है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लुक, सिंपली लेकिन फैबुलस लुक, आप बताइए। मैंने किया है पूरा का पूरा कॉम्बो कंट्रास्टिंग, जैसे कि ये देखिए चलन टकल बटकल तेरी पहली झलक मेरी चांदा बने तेरे नखरे न चांद लगा दो गहने पे। तो ऐसा लगता है आप जैसे गर्मी होने लगती है ना भाई, इतने ही बिल्कुल बेकार लगता है, मतलब वेदर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो इसीलिए अब है मेरा मूड फ्रेश जिसे बोलते हैं, और जब मेरी लाइफ का वेट करते हैं आप सब लोग तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से बहुत ज़्यादा एकदम रहता है सेटिस्फेक्शन सा कि मतलब चलिए आप लाइव आऊँ और आप सबसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि आप सब करते रहते हैं वेट। और मैंने कई बार बताया देखिए अगर दोपहर के टाइम लाइव आएगी
12 12:30 या 1:30 बजे के बीच में, ठीक है, ये रहता ही रहता है। और उसके बाद अगर इवनिंग में लाइव आएगी तो ये जो रिलैक्स टाइमिंग होता है ना, इसी टाइमिंग में मैं हमेशा लाइव लेके आऊँगी आप सबके बीच में, बहुत ही प्यारी प्यारी। और जब आप इतना वेट करते हैं और उसके बाद साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन ना हो तो क्या बात है। तो इस वजह से साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन, ब्लाउज का बैक देखिए कितना प्यारा, और इसकी डिज़ाइनिंग इतनी प्यारी है, जैसा मतलब साड़ी का कलर वैसी ही मेरी ब्लाउज की डिज़ाइनिंग होती है। तो आप सब बताइए, आप सबका डिनर हो गया, मेरा तो हो गया। मैंने बनाया आज 2 types of dinner, मीन्स एक तो बनाए फ्राइड राइस, ठीक है, और उसके बाद मैंने बनाया है पोहा, और दाल मैंने बनाई है, चटनी बनाई है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो पसंद करते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं हम सब, हम थोड़ा फूड लवर हैं। थैंक यू सो मच रंजीत जी, अभिषेक सिंह। तो कैसी लगी मेरी साड़ी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मतलब मेरी लाइव में न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सबका भी तहे दिल से स्वागत है। और आप सबके लिए हमेशा बोलती हूँ मैं, कॉन्सलेशन मैंने कर लिए हैं, अपना एक नया टारगेट और कंप्लीट, और मैं एक लेवल और ऊपर आ गई हूँ, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, और आप सबको भी बधाइयाँ, क्योंकि जितनी मतलब चढ़ाइयाँ मैं चढ़ती जाऊँगी, मतलब लेवलिटी मेरी बढ़ेगी, उतनी ही मैं आप सबका उतना ही शुक्रिया इसलिए करूँगी क्योंकि सब सबके सपोर्ट से होता है, बिना किसी के सपोर्ट कुछ नहीं होता, ये आप सब भी मानते होंगे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि मैं मेहनत पे विश्वास रखती हूँ, उस मेहनत पर जिस तरह मैं करती हूँ। प्रभु के पापा तो लिख ले, तो रीडिंग तो पता ही होगी, कॉपी वहीं पर उसमें। तो चलिए अब मेरा काम का टाइम, फिर उस हिसाब से बाय बाय। ये कर रहे थे डिनर, इन्हें डिनर करता हुआ छोड़ के आई थी ना अंदर। क्योंकि ना आप सबने देखा होगा जब मैंने अपना होम टूर दिया था ना, तब भी मैंने आप सबको दिखाया था कि मैंने अपना होम टूर में दिखाया था कि जो मेरा लिविंग एरिया है ना, मतलब जो मैं अपना लाइव शूट करती हूँ, वो सब मेरा एरिया बिल्कुल पर्सनल होता है। तो वहाँ मैं डिफरेंट टाइप की मतलब जितने भी लुक्स होते हैं उनकी मतलब लाइव आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो बस बच्चे अपना खाना वगैरह कर रहे थे तो फिर मैं अभी आ गई थी, मैं अभी मेरे पास टाइम भी है, फिर देखिए सुबह से शाम तक का शेड्यूल मेरे पास भी रहता है कि मैं भी गैदरिंग रिलेटेड बाय मेरा होम जितना वर्क होता है वो होता है, और जो मुझे आर्टिंग का थोड़ा शौक है ग्राफिक डिजाइनिंग्स का, उसका मेरा पर्सनल अपना वो रहता है शेड्यूल। अब तो मैं रखती हूँ अपने आप को फुल ऑफ द बिजी डे, और जब भी मैं लाइव में आती हूँ एडिटिंग वगैरह करने के बाद, जब मैं ब्लॉग को डाल देती हूँ एडिट पे, उसके बाद ही मैं मतलब लाइव आती हूँ। आपने देखा होगा मेरा ब्लॉग आता है, ब्लॉग के जस्ट बाद मेरी लाइव आती है, तो इतना डिफरेंट जरूर होता है मेरे में। हेलो, तो फिर उसके बाद तब मिलती है आपको लाइव। तो चलिए अब लाइव का कर दें यहाँ पे एंड, क्योंकि आज हो गई है 15 मिनट की लाइव, वो काफ़ी होती है आप सबसे मिलने के लिए, और आगे नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे। और समर का मौसम है तो श्योरली वाटर वगैरह जितना हो सके पीजिए, क्योंकि और वाटर फ्लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। रंजीत जी, आप अगर पंजाब से हैं तो हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पर सतलुज नदी का जो वो बहाव है
वो कितना ज़्यादा हो गया, मैं तो सच में बहुत देख के, उसकी वजह से रेनफॉल जो हो रही है ज़्यादा, रेनफॉल तो उसकी वजह से हमारे बच्चों की भी बहुत स्कूलों की छुट्टियाँ बार 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 होती जा रही हैं। तो किस किस के यहाँ पर इस तरह का कोई मतलब है अंदेशा, और ग्रेटर नोएडा की तरफ एक यमुना वो है ना, उसका भी पानी काफ़ी ओवरफ्लो हो गया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी हो गया, क्या कह सकते हैं, देखिए समय है, प्रकृति है, नेचर के साथ कोई भी खिलवाड़ कुछ भी नहीं कर सकते, और कब किसके साथ समय कैसा आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो वही खुशी खुशी अपने टाइम को जितना हो सके इन्वेस्ट कीजिए एक दूसरे से, देखिए हम संपर्क में बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते इसी तरह से मिलते रहे, नेक्स्ट लाइफ का आप वेट कीजिएगा, मैं श्योरली आऊँगी, कल आफ्टरनून में भी आ सकती हूँ, इवनिंग में आ सकती हूँ, मैंने आपको बताया है मैं हमेशा लाइफ जरूर कंटिन्यू करती हूँ विद फैमिली, मेरे फैमिली ब्लॉग होते हैं और आप सब मेरी फैमिली है, आप सबका मेरी फैमिली में इसी तरह से हमेशा से स्वागत है, जैसे मैं आज आई हूँ उसी तरह से आप सब भी आते हैं, तो वेलकम इन माय फैमिली एंड वेलकम ऑल माय सब्सक्राइबर, जिस तरह से आप आ रहे हैं उसी तरह से बने रहे, नए नए जुड़ते जा रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, इसी तरह से बने रहे मेरे चैनल में, आई एम पूजा ब्लॉगर, ब्लॉग मेरे आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब खुश रहे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, एकदम जितना हो सके अपनों का ध्यान रखें, किसी को नाराज ना करें, और हमेशा बोलती हूँ किसी की परेशानी की वजह आप ना बने, किसी की खुशी की वजह आप ज़रूर बने लेकिन किसी की दुख की वजह आप ना हो, तो बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड अपनी फैमिली के साथ, हंस रहे मुस्कुराते रहिए, आते रहे मेरे चैनल में, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।